तो गाइस अभी तकरीबन रात के बज रहे हैं 12 और हम आए हुए हैं यहाँ पे, पीछे आपको अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा होगा, नहर पे पानी लेने के लिए रात के 12 बजे। कुछ लिटरली कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है सामने, वो कोई बाइक वाला नजर आ रहा है। सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, के हाल चाल ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गए थे अभी मैं दोबारा अपना माइक सेटअप जो है चेक करने के लिए, तो अभी रात निकलना और चाय पीने चलते हैं। तो मलक मोहसन की तरफ जा रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये बाइक लेके जाऊँ या ये लेके जाऊँ। दो दिन हो गए इस बाइक को मैंने निकाला नहीं है, तो यही लेके चलते हैं। तो ये स्टार्ट भी हो जाएगी, बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, और इसका जो इंडिकेटर वो अभी तक टूटा ही पड़ा है, तो मैंने अभी हाथ नहीं लगाया, मैंने कहा कोई नहीं खैर अभी पड़ा रहे। तो अभी इसी भाई को मैं सोच रहा हूँ निकाल के ना चलते हैं। थोड़ा सा कपड़ा भी लगा लेते हैं ताकि साफ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं अभी देख लेते हैं। हो गई है माशाल्लाह स्टार्ट। तो अभी वैसे ना मैं अपनी माइक का जो है ऑडियो है वो भी चेक करनी है, तो अभी मैंने वाइजर बंद कर दिया, तो कैसी आवाज़ आ रही है तो अभी कंप्यूटर पे ही पता चलेगा। तो फिलहाल तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी नहीं भी ना लग रही यार, सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे बढ़े और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश है ना जो वो करते रहे आपके लिए। और यहाँ पे मुबीन भाई भी आ गए हैं, तो मुबीन भाई गए थे फैसलाबाद, तो वो भी आ गए। तो अभी गाड़ी खड़ी करनी थी तो मैं वापसी पे आके खड़ी कर दूंगा भाई की गाड़ी, तो भाई भी आ चुके हैं। लाइट्स कर लेते हैं मैं इसकी ऑन, ठीक है अभी इसे वार्म अप होने देते हैं थोड़ी देर, तो फिर चलते हैं। हैं, चल खड़ी कर देना मनी, जरा मोटरसाइकिल खड़ा हो। अभी भाई की जो है ना गाड़ी खड़ी कर लेते हैं अंदर। मैं मौसम इंतजार कर रहा होगा मेरा, कोई नहीं खैर है 5 मिनट तो इंतजार कर ही ले, कोई मसला नहीं। मैं कहना ले ही ला इधर ही एक चाबी कितने। चलो अभी भाई की गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ओए फे एसी, ठंडा माहौल, चिल माहौल, एसी चल रहा है, एसी मैं कर देता हूँ बंद। बहुत ठंडी हवा दे रहा है माशाल्लाह। ओए फे पेट्रोल जिसका ख़त्म ही है तकरीबन। चलो खैर हम स्टार्ट करें और गाड़ी को कर देता हूँ मैं अंदर खड़ी। तो आप बताया हेलमेट पहन के कैसा आपको फील हो रहा है। तो वैसे मैं अभी लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे अंदर कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो अभी गाड़ी जो ना वो अंदर कर देते हैं आराम आराम से, सीधी। हाँ ठीक है। जिस तरीके से मैं खड़ी करता ना तो बाइक को नहीं खड़ी करनी होती, इसलिए गाड़ी मैं खड़ी कर देता हूँ ताकि आसानी से खड़ी हो और जगह भी ज़्यादा हो, तो इसलिए मैं खड़ी कर देता हूँ। और मौसम मतलब की कॉल आ गई है, अभी मैं चेक कर लूँ पीछे स्पेस कितनी ज़्यादा है। तो ठीक है, स्पेस बिल्कुल ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से मैंने ब्रेक लगा दी। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे कर देते हैं गाड़ी खड़ी, टायर इसके सीधे कर देते हैं और ये अभी खड़ी। चलो जी, तो बाइक मेरे ख्याल भाई ने बंद कर दी, मैंने ऑन की थी। अच्छा भाई बंद हो गई, चलो कोई स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो हो, ऐसे ना कर। ओ नहीं 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 यार, अब तो ना कर ऐसे, क्या कर, मसला है गर्म हो गई है कि पेट्रोल खत्म हो गया। हो गई स्टार्ट। चले जी अभी चलते हैं, गाड़ी तो खड़ी कर दी है। तो अभी मैं अपने जो मेरा सेटअप है सारा माइक का वो चेक कर रहा हूँ, तो आपको बताया भी है कि मेरा ट्रिक प्लान है, और अभी उस ट्रिप की तैयारी के लिए अभी सारा सेटअप जो है वो चेक किया जा रहा है। तो बार बार आपको अगर ब्लॉग अच्छे नहीं ना लग रहे प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अभी सिर्फ कह लें कि मैं लर्निंग स्टेज पर हूँ, एक मतलब मेरा ये सेटअप अच्छा सेट हो गया, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको जो ब्लॉग है वो पसंद आया करेगा। और सामने है ना मलक मौसम भी आगे खड़ा हो गया है, है? बंद खुद ही कितनी है, एक मिनट आ जा कर है। और आया भैया, और यार मैं क्या बैटरी चार्ज हो जाए, भी 2 दिन हुई थी खड़ी। हाँ नहीं
वैसे ही मैं कहा चल रात नू कढ़ांगे ते उतो फिर तेरी तू क्या बाइक लै गया मैं फिर कढ़ लैने पहले मैं सोचे दो दिन कढ़ लवा तो हूँ तू क्या बाइक लै गया हाँ पहले सरफ से माशाल्लाह स्टार्ट हो गई शुरू हो गया तो इस्लाम अगर आप मुसलमान है तो आपको पता होगा कि नौ मुहर्रम क्या उसकी हिस्ट्री है क्या दिन है तो इसलिए मैंने बाइक तो निकाली है एग्जॉस्ट इसका भरा है तो इसलिए आराम 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 से ना जाएंगे ताकि ज़्यादा आवाज़ ना हो और ज़्यादा लोचापन ना हो तो इसलिए ना हम एहतराम करते हुए आराम आराम से जाएंगे। मुझे अभी याद आया कि यार आज तो ये सूरत हाल है तो इसलिए ना आराम आराम से जाएंगे। हाँ अच्छा आपने पिछला मतलब फ्लो देखा तो बस देखी होगी तो बस बिल्कुल सीधी थी तो अभी आप बस बिल्कुल टेढ़ी थी तो अभी आप बस देखेंगे तो कैसे बिल्कुल सीधी है। ये भी अभी ना थोड़ी थोड़ी सी एक साइड को झुकी हुई है लेकिन ठीक है सीधी है थोड़ी सी झुकी है। ये लोग भी ना अभी जा रहे हैं कहीं पर सैर वगैरह करने के लिए सारे निकले हुए हैं वैसे आज ऐसे भी छुट्टियां ना आजकल तो सारे निकले हुए यहाँ पे ट्रैफिक वार्ड वाले भी खड़े तो वो भी देख रहे हैं क्या ये बाइक लेके निकला हुआ है और आवाज़ भी अच्छी खासी है बाइक की तो गाड़ी पीछे से आ रही है गाड़ी को निकलने दे देते हैं। आज रश कुछ ज्यादा ही है आज रश ना कुछ ज्यादा ही है। अभी मलक साहब ने जहाँ से कोई चीज़ ले रही है तो वो लेते हैं फिर चलते हैं आगे हमारा अड्डा है चाय वाला तो वहाँ पे जाके चाय पीते हैं। तो आज है ना यार रौनक जो है काफ़ी ज़्यादा है आवाम सड़कों पे निकली हुई है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आवाम जो है बाहर निकली हुई है आज सड़कों पे तो कल वैसे ही छुट्टी हो गया तो इसलिए वो निकले हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना रौनक लगी हुई है दुकान वाले देख हंस रहे यार कैमरा लगाया बंद ही करती मैं बाइक अपनी तरफ से गेट मैंने निकाला था निकला नहीं है तो बाइक बंद हो गई। चले जी हम अपने अड्डे पे जो है पहुंच गए हैं। चले जी गाइस तो निकलते हैं तो चाय वगैरह हमने पी ली है ठीक है चलो यार चाबी कितने यार चाबी किधर है बाइक की हुई है पड़ी है चाबी चलो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो इस तरह स्टार्ट होती है बाइक हमारी। चलो ये अभी चलते हैं घर वापस तो काफ़ी ज़्यादा देर बैठ का हमने यहाँ पे गप्पे शप्पे लगाई हैं तो अभी चलते हैं वापस। अभी टाइम मेरे ख्याल में ना कोई 10:30 हो गए होंगे तो आप सामने सड़कें वगैरह देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है ना सुनसान हो चुकी है। चलो ये क्या कर रहा हो ये क्या कर रहा लड़के पता नहीं टिकटॉक बना रहे थे क्या बना रहे थे कैमरे पर जो होगा कि नहीं हुआ तो लड़का जो है ना गोदे में बैठ के पुर्तगाल बना रहा था और वीडियो वगैरह बना रहे थे। चले ये चाय पी लेते हैं अभी एक चाय जो है मैं बाहर से पी गए अभी एक चाय ये पी लेते हैं। वैसे सामने टीवी पे लगे हुए हैं अल्लामा साकर रज़ा मुस्तफ़ाई उनका बयान चल रहा है वो सुनते हैं साथ चाय पीते हैं। तो गए अभी तकरीबन रात के बज रहे हैं 12 और हम आए हुए हैं यहाँ पे पीछे आपको अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा होगा नहर पे पानी लेने के लिए रात के 12 बजे तो यहाँ पे कोई भी नहीं है आगे और पीछे सिर्फ हम दो ही हैं तो यहाँ पे अभी पानी भरने के लिए आए हुए हैं तो यहाँ पानी भरते हैं फिर चलते हैं तो आगे पीछे कोई भी नहीं है भाई ओए यहाँ पे कहीं सांप ना हो। तो एक दिन हमने सांप देखा था तो वो भी मैं आपको वीडियो शो करवाऊंगा सांप देखा था तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई सांप वगैरह तो नहीं है क्योंकि नहर है ना यहाँ पे साथ ही तो हो सकता है यहाँ पे सांप वगैरह हो तो अभी नहीं भाई जो है कैन वगैरह अपनी है पानी वाली वो भर रहे हैं कुछ लिटरली कोई भी नहीं है यहाँ पे कोई भी नहीं है सामने वो कोई बाइक वाला नज़र आ रहा है
इस तरह भी कोई है हैं। बस कर, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, वो मैं कर पता नहीं सापा पता नहीं मैं डर गया। तो अभी कैन भरते हैं फिर चलते हैं यहाँ से, तो पानी वाली कैन हमारी बढ़ गई है तो अभी चलते हैं वापस। गिर गई गिर गई। चले जी घर पहुँच चुके हैं, तो हमारी गाड़ी जो है इधर लगा दी, उधर हमारे घर जो लगी है बाइक की गाड़ी लगी हुई है। तो यहाँ पे सुबह के लिए ना, ये सुबह के लिए ये सामान लाया गया, तो देख वगैरह सुबह बनेगी हलीम वगैरह। तो अभी मैं चलता हूँ अपने घर, अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में, तो यहाँ पे बैठा मैं ब्लॉग जो है अपना एडिट कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉग कहते हैं ये पे खत्म। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो मेरी देखी है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।